नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शाक्या आपकी लाभ हानि की नेक्स्ट क्लास लेकर आपके साथ उपस्थित हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने मेरा पहले दो पार्ट इसके नहीं देखे लाभ हानि के, वो जाकर पहले इसके दो पार्ट देख ले, उसके बाद अगर यहाँ कंटिन्यू करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आइए चलते हैं, हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज मैंने आपके सामने चार क्वेश्चन रखे हैं और जो लगभग एक ही जैसे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ही अंतर है, तो इनको एक साथ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको चारों एक साथ लिखे हैं। आइए देखिए समझते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, 10 वस्तु बेचकर 2 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताओ। उसी के नीचे दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 10 वस्तु बेचकर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत बताओ। तीसरा क्वेश्चन है, 10 वस्तु बेचकर 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताओ। चौथा क्वेश्चन है, 10 वस्तु बेचकर 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। थोड़ा ही थोड़ा अंतर है, यहाँ क्रय मूल्य के बराबर एक में लाभ एक में हानि, और इधर विक्रय मूल्य के बराबर एक में लाभ एक में हानि, थोड़ा सा ही इनमें अंतर पड़ेगा, ठीक है। तो देखो करना कैसे, एक तो सीधी सा समझो, 10 वस्तुएँ बेची हैं हमने, ठीक है, यानी कि 10 वस्तु हमारी थी और हमने बेच दी, उस पर लाभ 2 वस्तु के बराबर प्राप्त हुआ है। तो याद रखना, जब भी लिखा हो क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है, तो देखो ये जो 2 है ये तो लाभ है हमारा, इसको ऊपर लिख दो, ठीक है, लाभ प्रतिशत। तो ये 2 जो है वो तो लाभ है हमारा, बटे में क्या आएगा, बटे में सदैव नीचे आपको पता है क्रय मूल्य आता है, तो क्रय मूल्य दिया है, इसका मतलब सीधा सीधा 10 को उठा के नीचे रख दो, ठीक है, 10 को उठा के सीधा सीधा नीचे रख दो, क्योंकि ये पहले से ही क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है, ठीक, और इनटू में 100 कर देंगे, तो 0 से 0 कटा, 20% जो है लाभ कमा रहा है, इतना याद रखें, ठीक। अगला है, 10 वस्तु बेचकर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब इसमें भी कुछ अलग फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो इसमें भी क्या होगा, 2 तो ये हानि है तो हानि ऊपर रख दो, क्योंकि हानि प्रतिशत पूछा है, ठीक है, और क्रय मूल्य दिया है तो 10 वस्तुएं नीचे रख दो सीधा सीधा, इंटू 100, 0 से 0 कटा, 20%, इसमें क्या आएगा, हानि। तो क्रय मूल्य, जब एक चीज़ समझ में आती है कि क्रय मूल्य जब दिया हो तो जितनी वस्तुओं का लाभ या हानि हो रही है वो ऊपर रख दो, और जितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं वो नीचे रख दो, और इंटू 100। लेकिन जब यही चीज़ विक्रय मूल्य पे दी होगी और ज़्यादातर आपको यही दिया होगा एग्ज़ाम में, तब आपको क्या करना है। अच्छा देखो, यहाँ हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं, लाभ प्रतिशत, तो 2 वस्तु लाभ तो ऊपर है और नीचे क्रय मूल्य रखना है, लेकिन दिया क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब भी लाभ हुआ हो आपको, ठीक है, लाभ हुआ हो, आपको पता है लाभ का सूत्र क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो है, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। यहाँ से अगर हम क्रय मूल्य का मान निकालें तो वो क्या निकलेगा, क्रय मूल्य का मान निकलेगा विक्रय मूल्य माइनस के लाभ, यही तो आएगा। इसका मतलब यहाँ नीचे अगर हम ये विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य है, तो नीचे क्या आएगा, इसका अंतर, यानी 10 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2/8 इंटू 100, यानी कि 1/4, और 4 से काटेंगे तो 25% क्या आएगा, लाभ आएगा। ये समझ में आया, देखो सीधी बात है, ट्रिक याद रखना, अगर मैं ट्रिक वाइज बताऊँ तो क्रय मूल्य पर चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, परिवर्तन नहीं करना है, जो लाभ हुआ ऊपर रखो, जितनी सामान बेचे गया नीचे रखो क्रय मूल्य पर, लेकिन विक्रय मूल्य पर अगर लाभ होगा तो नीचे घटा के आंसर आएगा, और विक्रय मूल्य पर हानि होगी तो नीचे क्या आएगा, जोड़ कर आंसर आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ नीचे देख लेते हैं, 10 वस्तु बेचकर 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हानि प्रतिशत करना है भाई, सीधा सीधा हमें हानि प्रतिशत करना है, तो ये 2 वस्तु तो ये हानि है, ठीक है, और ये जो है ये क्या है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, हानि होती है, तो क्रय मूल्य कैसे आएगा, जोड़ के आएगा, क्योंकि देखो आपका पता है हानि का सूत्र क्या होता है, हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि इसमें क्रय मूल्य खरीदा ज़्यादा में होता है बेचा कम में होता है, क्रय मूल्य का मान निकालोगे तो क्या आएगा, हानि माइनस हानि प्लस सॉरी हानि प्लस विक्रय मूल्य, ये आ जाएगा क्रय मूल्य, यानी कि नीचे जोड़ के लिख देंगे 10 और 2 12, ठीक है, और इंटू 100, तो ये आ जाएगा 2/12 × 100, तो ये काटेंगे 6,
फिर से काट दो, 3 × 6 = 50, तो ये आ जाएगा आपका 50/3%, यानी कि 16 / 2/3%। तो इस तरह से आपको ये चारों क्वेश्चन कर लेने हैं। तो आपको बस इतना, अगर ट्रिक वाइज की इसकी मैं बात करूं तो याद रखना ट्रिक क्या होगी, क्रय मूल्य पर चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, क्रय मूल्य पर चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, कोई परिवर्तन नहीं करना है। जितनी चीज़ें बिकी, जितने के बराबर लाभ हुआ या हानि हुई ऊपर रख दो, और जितनी चीज़ें बेची हैं वो नीचे रख दो क्रय मूल्य पर। लेकिन विक्रय मूल्य में बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा? क्योंकि विक्रय मूल्य में नीचे नहीं रख सकते, हमें रखना क्या है, क्रय मूल्य ही रखना है। तो या तो इस सूत्र से निकाल लेना कि नीचे जोड़ के आएगा कि घटा के आएगा, और नहीं तो याद कर लो कि लाभ होगा तो घटा के आएगा और हानि होगी तो जोड़ के आएगा। ठीक है, वैसे मैं चाहता हूँ रटने की चीज़ें, रटने वाला आप काम मत करो। ये सिंपल आपको पता है कि लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है, क्रय मूल्य ये होता है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यहाँ से क्रय मूल्य की वैल्यू निकाली तो क्या आया, लाभ विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी कि नीचे घटा के आएगा। और जब यहाँ से हम क्रय मूल्य की निकालेंगे वैल्यू, तो आएगा हानि प्लस विक्रय मूल्य, इसका मतलब यहाँ पर जोड़ कर आएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि हो तो ज्यों का त्यों आप समझते होंगे, ज्यों का त्यों नीचे रख देते हैं, नीचे रख देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक ट्रिक हो गई, अगर ट्रिक वाइज करना चाहो, वरना बेसिक तरीका। और यहाँ पर लिख देता है कहीं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, विक्रय मूल्य पर लाभ होगा तो घटा के रखेंगे, तो घटा के, ठीक है, तो घटाना है, तो घटाना, और विक्रय मूल्य पर हानि हो तो जोड़ना। ये हो गई हमारी क्या ट्रिक। तो ट्रिक की वैसे ज़रूरत ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, आपको समझना है, इस सूत्र से निकाल लेना कि नीचे जोड़ के रखना है। विक्रय मूल्य जब भी दिया होगा तो या तो घटाना है या जोड़ना है, करना क्या है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल रखते हैं, नहीं तो याद रखना लाभ है तो घटा के लाना पड़ेगा और हानि है तो जोड़ के लाना पड़ेगा। आइए चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपना लाभ विक्रय मूल्य पर आंकता है तो 20% पाता है, उसका वास्तविक लाभ या फिर क्रय मूल्य पर लाभ बताओ। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको कैसे करना है, 20% = 1/5, ये करना सबको आता होगा, नहीं आता तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। आपको क्या करना है, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो नीचे 100 का भाग आ जाता है। ठीक है, और फिर आप इसको काटेंगे तो 2/10 और 1/5 आएगा। अब मैंने आपको कहा था चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, नीचे हमेशा क्या रहता है, क्रय मूल्य रहता है। लेकिन यहाँ पर इसने कह रहा है कि दुकानदार ने अपना लाभ किस पे देखा, विक्रय मूल्य पर। तो ये देखो ऊपर वाला तो लाभ है और ये क्या क्या है आपका, विक्रय मूल्य है। अब आपको क्रय मूल्य निकाल लेना है। तो देखो क्रय मूल्य कैसे आएगा, जोड़ के आएगा कि घटा के आएगा, वही सूत्र फिर से जो भी हमने किया था, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य इधर ले आओगे प्लस का हो जाएगा और लाभ उधर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी कि जो क्रय मूल्य आएगा वो इन दोनों का अंतर आएगा, क्रय मूल्य आएगा 5 - 1 यानी कि कितना 4 आ जाएगा। सही है, अब हमें क्या क्या करना है, लाभ प्रतिशत निकाल देना है भाई, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत, लाभ ऊपर रखा क्रय मूल्य नीचे रखा × 100, क्रय मूल्य के ही लाभ को वास्तविक लाभ कहते हैं। ठीक है, इसको तो आएगा आपका क्या 25%। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करने हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो ये दो टाइप के एक ही जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है तो इनको एक साथ समझते हैं हम। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करता है और 10% वजन कम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अच्छा देखो, अब आपको देखने में ये लगेगा कि उसने कह तो दिया कि जितने हम खरीद रहे हैं, क्रय मूल्य पर बेचने की बात, मतलब जितने हमने खरीदा उतने में ही आपको दे रहे हैं। इस हिसाब से
मुझे कोई लाभ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मैं तुम्हें वजन कम तौलूँ तो मुझे लाभ होगा। तो वही है दुकानदार कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर देखने वालों को लगेगा कि 10% वजन कम तोल रहा है तो 10% ही उसका लाभ होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, गलत हो जाएगा। क्यों होगा, देखो हम समझते हैं। मान लो, अच्छा इसमें हम 100 मान सकते हैं, हम 1000 भी मान सकते हैं। वजन वाले में हम तो लोग 1000 मान लेते हैं, क्योंकि 1000 एक किलो मतलब 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता है। ठीक है, मान लेते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, आप इसको 100 भी मान सकते हो तो भी आंसर गलत नहीं आएगा, हम 1000 मान के कर लेते हैं। चलो 10% वजन कम तौल रहा है, ठीक है, तो 1000 का 10% हो गया 100, बचा कितना 900 ग्राम। यानी कि वो 1000 की जगह 900 ग्राम दे रहा है, सही है। जब हजार जहाँ आपको 1000 यानी एक किलो देना था, वहाँ वो आपको कितना दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। तो जो उसका लाभ है वो कितना है, लाभ उसका 100 ग्राम है। कितना है, 100 ग्राम, सही है। अब अच्छा देखो, ये जो लाभ है आपका, जितनी वस्तु आप बेचोगे उसी पे तो लाभ देखोगे, है ना। जितनी वस्तु आप बेचोगे, उसने क्या आपको 1000 ग्राम बेची है, नहीं। ये तो आपको पताया है उसने कि 1000 दे रहे हैं, लेकिन उसने एक्चुअली में दी कितनी आपको, 900 ही ग्राम दी है, और आपसे 100 ग्राम के अतिरिक्त पैसे लिए हैं। यानी कि वो क्या करता है, 900 ग्राम देता है और 100 ग्राम के पैसे ज़्यादा ले लेता है आपसे। तो इसका मतलब ये 100 ग्राम आप किस पे रखोगे, 900 पे रखोगे, 1000 पे नहीं रखोगे, ठीक है। ये होता है खेल, यानी कि अगर ऐसे देखोगे तो केवल 10% निकलेगा, लेकिन अगर इस पे रखोगे देखो उसका कितना ज़्यादा लाभ होगा। हैं, जो लोग दुकानदार हैं वो कर सकते हैं ट्राई। देखो 100 ग्राम ऊपर रखा आपने और 900 ग्राम दे रखा था, ठीक है, और इनटू 100। अब आप 0 से 0 काट दो तो 100/9% यानी कि 11/1/9% लाभ हो रहा है भाई उसको, ठीक है। आप 10% सोच रहे थे, 10% नहीं होगा, ज़्यादा होगा लाभ। क्यों ज़्यादा होगा, सीधी बात है, 900 ग्राम दे के 100 ग्राम के पैसे ज़्यादा ले रहा है। अगर वो 1000 ग्राम दे रहा होता आपको, यानी 1 किलो दे रहा होता, तो उसका 10% बनता, लेकिन वो दे एक्चुअली में आपको कितना रहा है, 900 ग्राम। वो बता भले ही आपको 1000 रहा है, लेकिन दे कितना रहा है, 900 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं और ये कन्फ्यूजन होते हैं, ज़्यादातर लोग 10% ही लगा देते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट भी होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। कह रहा है एक और दुकानदार है, एक दुकानदार वस्तु पर 10% लाभ कमाता है, 10% वजन भी कम तोलता है, ठीक है। लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखो कैसे करना है इसको, ये उससे भी बड़ा बढ़िया वाला दुकानदार है, उससे भी ज़्यादा बेईमान दुकानदार मान लो। क्यों, क्योंकि ये क्या करता था, ये तो कहता था कि चलो हम जितने मिलाए उतने भी बेच रहे हैं, लेकिन ये आपको एक तो 10% तो लाभ सीधा सीधा दे रहा है, ले रहा है, जो 10% तो आपको महंगा बेच रहा है और 10% वजन भी कम तोल रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए 1 किलो की बात हो रही है, यानी 1000 ग्राम की, जब ये वजन कम तोलता है तो 900 ही देता है आपको, और लाभ कमाता है तो इस पे कमाता है जितने में खरीद के लाया है, ठीक है। तो ये 1100 हो जाएगा, क्योंकि ठीक है इधर 100 कम होगा इधर बढ़ जाएगा। अगर 20% लाभ होता तो यहाँ पे 1200 हो जाता, समझ रहे हैं आप। यानी कि 1000 किलो, 1 किलो पे 900 ग्राम देता है, लेकिन लाभ कितने का लेता है, 1100 का। तो उसका कुल लाभ कितना हुआ, कुल लाभ ये हो गया आपका 200 रुपये का, 900 से 1100 सीधे। अब लाभ प्रतिशत देखो कैसे निकलेगा, लाभ प्रतिशत तो 200 तो लाभ है, बटे में क्या रखेंगे, 100 या 900, सीधी बात है 900 रखेंगे, वो दे तो आपको 900 ही रहा है ना, तो इसलिए वो आ जाएगा आपका 900 इंटू 100। तो 0 से 0 काट दिया आपने, आ जाएगा 9 दूनी 18 और 22 से ही 2/9 प्रतिशत लाभ। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है 10% हो, कम ज़्यादा भी हो सकता है, 10 उधर 20 भी हो जाएगा, लेकिन आपको करना ऐसे ही है, ठीक है। कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल बस आपको याद रखना है कि दे हमें 900 ही ग्राम रहा है और 100 ग्राम के पैसे ले रहा है, तो ये इस तरह से होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करता है, फिर भी 25% लाभ कमा लेता है, बताइए उसने 1 किलो के स्थान पर कितना वजन तोला। अब सीधी बात यह है कि कोई इंसान जितने में खरीद रहा है उतने में बेच रहा है, तो उसका लाभ तो 0% होना चाहिए, यानी उसे कोई लाभ हानि नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो क्रय मूल्य पे बेच के भी अगर 25% लाभ निकाल रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए तो क्या कर रहा है, काट रहा है, वजन काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो अब कितना वजन काट रहा है, 1 किलो पे कितना वजन काट रहा है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप हम लोग देखते हैं कैसे करना है, इसको देख लो सीख लो, ठीक है। तो जो
दुकानदार आप लोगों को ठगते हैं, वो शायद आप बच जाओ उससे। तो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ। तो कैसे करना है आपको, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करता है फिर भी 25% लाभ कमा लेता है, ठीक है, यानी कि वो 100 की चीज़ को 125 में बेचता है, ठीक है, 25% लाभ का मतलब यही तो हुआ। अब अच्छा देखो, उसने आपको कितना बताया हुआ, उसने आपको वजन दिया होगा 125, ठीक है, मान लो 100 ग्राम को आपको 125 ग्राम, यानी कि आपको उसने 125 ग्राम दिया है लेकिन वास्तव में उसने आपको वजन कम तोला है कितना, 100, यानी कि जब वो 125 ग्राम देता है तब वो 100 ग्राम तोलता है, समझ में आया, इस तरह से याद रखना। 25% लाभ है तो 100 से 125, इसका मतलब जब वो 125 ग्राम बताता है ग्राहक को तो वो देता कितना है, केवल 100, ठीक है, तभी तो आएगा 25% लाभ है तो 100/25 × 100 है ना कि नहीं, तो देता, तो मेरे हिसाब से 125 ग्राम देना है लेकिन सवाल के हिसाब से कह रहा है 1 किलो, 1 किलो के मतलब 1000 ग्राम है ना, तो 125 ग्राम 1000 कितने गुने पे, 8 गुने पे, तो ये भी कितने गुने पे आएगा, 8 गुने पे, इसका मतलब 800 ग्राम दे रहा है केवल कितने पे, 1000 पे, 1 किलो पे कितना दे रहा है, 800 ग्राम। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं, ठीक है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता फिर भी 25% लाभ कमा लेता है, बताइए उसने 1 किलो के स्थान पर कितना वजन तौला, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को एक और देते हैं, ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे, अगर आप देख रहे हैं वीडियो आप समझ आ रहा है क्वेश्चन तो मुझे भी पता चल जाएगा अगर आपने इसका रियल सही आंसर दे दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूँ जो आपको कमेंट करना है, तो ये क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट में आंसर करना है। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तु का बेचने का दावा करता है फिर भी 15% लाभ कमा लेता है, इधर दिया है अगर कमा लेता है, बताइए उसने 138 ग्राम के स्थान पर कितना वजन तौला है। तो ये क्वेश्चन आपको करके कमेंट करना है, आइए देखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम दो वस्तुएं जब बेची जाती हैं दो वस्तुओं से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जिसमें पूछा जाता है जैसे दो वस्तुएं बेची गई, एक पे इतने प्रतिशत लाभ एक पे इतने प्रतिशत हानि, तो इस तरह के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, धन्यवाद।